बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह की बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, 1 बज गया और अभी जाके बारिश कहीं रुकी है। तो सियालकोट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से मैं लेट हो गया ड्यूटी पे, अभी तक नहीं गया। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ जो ड्यूटी के लिए, रेडी मैं हो गया हूँ क्योंकि बारिश की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। सारी पूरी की पूरी टीम जो है ना वो लेट, वसीम साहब अभी थोड़ी देर हो गए, गए हुए जुवेद भी मेरे ख्याल साथ ही, उनके तो हमदा भी उनके साथ ही है। तो अभी चलते हैं कुछ दूसरी साइड से विज़िट करने हैं, जाते जाते वो विज़िट करके जाते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 2-3 बजे तो मैं उधर पहुँचूँगा क्योंकि कुछ लोग उनसे पेमेंट रिसीव करने जाते, वो रिसीव करने के बाद फिर मैंने शोरूम पर निकलना है। तो चलते हैं जी, मौसम आपको दिखाते हैं। मौसम देखें, बादल छाए हुए हैं हर तरफ से, लेकिन कुछ हद तक। पहले मुझे किंगरा जाना है, किंगरा से उधर वाजिद भाई से मैंने पेमेंट रिसीव करनी है, उनकी 2-3 किस्तें हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया आके आप इधर से ले जाओ, फिर उधर नाजू चक वाली साइड पे 2-3 गाँव वो हैं, तो उधर भी मुझे जाना है। फिर जाके मैंने वापसी पे शोरूम पे जाना है। पता नहीं टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये कुछ हैं को 10-15 कस्टमर इस तरह के हैं जिन्होंने जिनकी पेमेंट घर में पड़ी हुई है, वो लेके फिर मैंने जाना है। तो चलते हैं उधर, रास्ते में इंशाल्लाह आपको नज़ारा दिखाते चलेंगे। ये देखें बिलाल भी इधर, ये बिलाल अभी तक नहीं गया, इसे रोक के तुम इधर ही रहना ठीक है। तो हूँ कि नहीं दिन इतने रहना तुम, और डोगी डोगी आ गया। तो वाजिद के पास में गया था, उससे मैंने पेमेंट सेव कर ली थी। रिसीव करने के बाद 2-3 बंदों के और पास गया, उससे उनसे भी मिला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारा। ये रास्ता पीछे देखें अगर है तो सोल लगा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत हद तक ख़राब है। मेरी बाइक देखें पीछे, ये मेरी बाइक है, ये भी कल धोई थी भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये रास्ता जा रहा है जी गाँव को, और रास्ता काफ़ी ख़राब है, बड़ी मुश्किल से इधर से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये देखें हम लोग जिनको वोट देते हैं, पिछली दफ़ा जब दिए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपके गांव की सड़क जो है ना वो बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बना के दी। तो इस तरह ख़राब है क्योंकि गाड़ियां आती हैं दूर से, और इधर से लोग सियालकोट भी जाते हैं, हाई एक्स आ गई या टोयोटा आ गया या कोस्टर वगैरह, ये कुछ आती हैं हमारे गाँव में। इधर से मज़दूर जाते हैं और सियालकोट में काम करने के लिए, फिर उनको वापस भी छोड़ने आते हैं, इस वजह से ये सड़क थोड़ी ख़राब हो गई है। आगे आपको दिखाते हैं, ये देखें भाई, ज़्यादा खराब हो गया। गाँव में पहले हमारी बनी थी कमेटी एक, जो कि पूरे गाँव को साथ लेके चलती थी, लेकिन अब तो आपको पता हर घर में चौधरी पैदा हो गया हुआ है। लेकिन पूरे गाँव में लाइटिंग की और ये सोल वगैरह सड़क सारी बनवाई, लेकिन उसके बाद किसी ने साथ नहीं दिया। सब मतलब अपने अपने घर में चौधरी बने फिरते हैं भाई, कि भाई हमने ये करना है वो करना है, फिर सब आपस में हुए तो काफ़ी ज़्यादा मसले बने। इस वजह से हमारे गांव की सड़क अभी तक दोबारा नहीं बन पाई। तो ये मेरे पीछे देख रहे हैं डोगी, देखा ये रात को इधर ही था, वो नीचे गिर गया, वो तो मैंने इधर से निकाला, फिर इसे रोटी डाली, दूध पिलाया, तो अभी इधर ही है। जानवरों के साथ प्यार करेंगे, जानवर आपके साथ प्यार करेंगे, अगर उनको प्यार नहीं देंगे तो वो आपको आगे से काटेंगे। काटना तो थोड़ा इंसान भी एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन इंसानों में और जानवरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंसान से मोहब्बत करें तो किसी ना किसी जगह पे आके वो धोखा दे जाता है, आपके साथ नहीं रहता, लेकिन जानवर आपके साथ ही रहेंगे, वो आपके साथ नहीं छोड़ने वाले। तो पीछे देख रहे हैं घास, ये भाई छत कच्चा इनका, और उन्होंने पट्ठे उत्ते लाए देने के कितने वढ़ने पाएंगे, मज्जा पानी पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो मज्जा रखी जाने। तो इसलिए भाई किसी से मोहब्बत करेंगे जब भी आप, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन जानवर से आपको वफा मिलेगी, इंसानों से वफा नहीं मिलेगी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, घर में बनाने लगी आज बेसन की कढ़ी। तो सबसे पहले पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े वो साथ खाएंगे, साथ में बेसन की कढ़ी के अंदर भी डालेंगे, क्योंकि मौसम उस तरह का बना हुआ है, बारिश वाला और बादल छाए हुए हैं। तो चलते हैं, पकौड़े खाएँगे, अपनी भूख को मिटाएँगे। घर में जितने मेहमान आए थे सब चले गए हैं, हसन अपने घर चला गया, उमर लोग आए थे, मेहंदी आए थे, सारे अपने लोग चले गए हैं, सिर्फ बिलाल इधर रह गया है, उसे बोला कि इधर रुको, तो मेरे साथ संडे को जाना, तो वो सिर्फ और वो रुका है और उस सिस्टर की तरफ गया हुआ है। मैंने उसे बोला आज नूडल खाते हैं, तो अभी मैं नूडल लेने जा रहा हूँ, वो खाते हैं नूडल मैंने ले रही हैं, और अभी जाने लगे हैं धनिया का पता करने, बंदा आया उससे पता करते हैं धनिया मिल जाएगा कि नहीं। ये जनाब नहीं मिला, वो कह रहा कि धनिया हमारे पास नहीं है, शार्ट होगा धनिया, तो अभी जाना पड़ेगा बाहर से लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गाँव में बहुत वफर मकदार में लगाया हो तो लोगों ने, लेकिन बाहर से पता करेंगे, उधर जाएंगे, घर वालों को भेजेंगे भाई आप पता करके आओ।
जा खाते हैं। जैसे कि कड़ी बनानी थी और बेसन ख़त्म हो गया हुआ था तो सोचा कि चलो दुकान से लेके आते हैं। अभी हमें दुकान पे आज सबके पास इधर से बेसन लेते हैं, वो लेने के बाद फिर घर चलते हैं। घर जाके तो हम बनाएंगे आज बेसन की कड़ी, वो मज़े से खाएंगे। बेसन की कड़ी सबसे पहले अम्मी घर में बनाते थे और इतनी टेस्टी बनाते थे कि खाने का मज़ा ही अलग होता था। उसके बाद फिर वो मज़ा नहीं आया जब हम चले गए, तो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि मज़े वाली बने। घर वाले जा रहे हैं, जाके बना के फिर खाते हैं। एक और सब्जी वाला है, उसे पता किया था नहीं का, वो भी गया था भाई धनिया मेरे पास नहीं है, तो उसके पास भी नहीं है। घर वाले बाहर भी गए थे, उधर से भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो कुल्फी खाते चलते हैं, साथ में बेसन पकड़ा हुआ, ये मेरी फेवरेट है। मंडारो पकड़ो, खाओ 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 जो खाओ जो खाओ जो खाओ खा जाओ लीजिए। कुल्फ़ी मैं खा रहा था, लेकिन बच्चे आपको पता है कि कुल्फ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कहना कह रहा मुझे दो। मैंने कहा मैं नहीं ले गया तो नहीं, यही खानी यही खानी, रो रहा था। उसके बाद अभी टैना को दे दिए। हो भाई सर, मैं बेसन लेके आ गया हूँ, तो थोड़ी देर तक पकौड़े बनाते हैं, फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। पकौड़े मैं बड़े मज़ेदार बनाता हूँ, क्योंकि कुकिंग मैंने बहुत ज़्यादा सीखी हुई है, और वो सीखी थी मैंने सिस्टर से। जब मैं सियालकोट में रहता था तो घर में कोई भी चीज़ बनानी मैं खुद बनाता था। उसका ये फ़ायदा हुआ कि आज मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ और बड़ी मज़ेदार करता हूँ। तो चलते हैं जाके, सबसे पहले पकौड़े बनाते हैं, उसके बाद फिर करीब तैयार होगी। ये हसन और अली रजा आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि क्या लेना है। दस रुपये लेने और आ गया आ गया। की करना दस रुपये का, की करना की लेना है। कुल्फी लें, कान फाड़ ला पहले, है कि बने कान नहीं फड़ी है। मुर्गा बन, मुर्गा जल्दी कर, मुर्गा टोर के पीछे नु जा, पिछला गेर ला। चल आ जा इधर। ये हसन और अली दोनों मुझे कह रहे हैं कि हमें 10-10 रुपए दे, हमने कुल्फी खानी है, तो इनको अब कोई पैसा नहीं देना क्योंकि कान ने तो फड़गा लेने, लिहाजा उन छोटी मेरा पुत्र छोटी करो, ठीक है। ऐसे भी कान फड़गा बोल, ना 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 मारना ना मारना। बीन को देने लगा हूँ मैं 10-10 रुपए, ताकि मेले में कौन सी कुल्फी लेके आओगे। बर्फ वाली, इन्होंने पता है कि मामू बर्फ वाली कुल्फी खाते ने, ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए दी, 20 रुपए वाली कुल्फी लेके आनी मेरे लिए, ठीक है। 3 कुल्फियाँ, 20-20 वाली 3 कुल्फियाँ, ठीक है। अभी इनको देते हैं पैसे, और पैसे देने के बाद ही जाएंगे दुकान पर दोनों, तो कुल्फी लेके आएंगे, फिर वो हम खाएंगे। नीचे कड़ी बन रही है, पकौड़ा भी बन रहा है, शौक भाई भी आ गए हैं, तो वो भी साथ में हेल्प कराएंगे, तो इनको पैसे देते हैं सबसे पहले। अभी 20-20 रुपए मिल रहे हैं, तो कुल्फी मेरे लिए लेके आनी। ये देखें जी, कड़ी अभी तैयार हो रही है, ठीक है। और ये कुछ आलू रखे हुए हैं पकौड़े बनाने के लिए, तो देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से। ये मुँह में पानी आ रहा है, इधर साथ में चावल बनेंगे, ये पानी अभी गर्म हो रहा है। ये देखें पकौड़े बनने में कुछ टाइम बाकी है, इसीलिए सिर्फ पहले कड़ी बनेगी, उसके बाद पकौड़े बनेंगे, तो मेरा ख्याल है कल में 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि एडिट करना है, और एडिट करते करते कल में आधा घंटा एक घंटा लगता है, उसके बाद फिर अपलोड पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।